हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे न्यूज़ इन जीके में पार्टीशन ऑफ बंगाल और बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो 7 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें पार्टीशन कैसे हुआ, जो न्यू प्रोविंस था, जो बंगाल था, उसको ईस्ट और वेस्ट दो प्रोविंसेस में डिवाइड किया। ईस्ट बंगाल में आसाम, ढाका, राजशाही और चित्तगोंग वाला जो एरिया है उसे रखा गया और उसका हेडक्वार्टर बनाया गया ढाका को। और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ ओडिशा के कुछ पार्ट्स, उनको रखा गया वेस्ट बंगाल में। और इसका कैपिटल रखा गया कैलकटा, जो ऑलरेडी इसका कैपिटल था, वही सेम। ईस्ट बंगाल का जो एरिया है वो बाद में जाके ईस्ट पाकिस्तान बना और अभी वो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। इस पार्टीशन का रीज़न क्या बताया गया था कि जो बंगाल है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया था और उसकी पॉपुलेशन अराउंड 80 लाख थी, और 80 लाख लोगों को एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण पार्टीशन कर रहे, ये एक रीज़न बताया था। और दूसरा, जो ईस्टर्न रीजन है बंगाल का वो कंपैरेटिवली अंडर डेवलप था, और ईस्टर्न रीजन को डेवलप कर सके गवर्नमेंट, इसीलिए ये पार्टीशन हो रहा था, ऐसा बताया गया था। 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस दिन बंगाल के लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे। सब लोग रोड पे आ गए थे, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की। और ये मैं लोगों की बात कर रही हूँ, किसी संगठन की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इतना अगेंस्ट में थे कि वो लोग प्रोटेस्ट में आ गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जो एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा कि हम इस दिन को रक्षाबंधन दिवस की तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम जितने भी हिंदूज और मुस्लिम थे वो सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे और हम हमारी एकता और भाईचारा का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। गांधी जी ने भी कहा कि सोया हुआ भारत उसी दिन जागा जब बंगाल का विभाजन हुआ। जो रियल अवेकनिंग है इंडिया में वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही आई। अब हम जानते कि मेन रीजन क्या था पार्टीशन के पीछे, ये हुआ क्यों। जो बंगाली एजुकेटेड बंगाली मिडिल क्लास है, इंटेलिजेंट बंगालीज हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे इंडियन नेशनलिज्म में। जो बंगाल था वो एक नर्व सेंटर बन गया था नेशनलिज्म का, और उसी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ये पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन से डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी था वो स्टार्ट हुआ था, और हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में एक कम्युनल सेटअप किया गया था। ये पार्टीशन करवाने के पीछे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो है लॉर्ड कर्जन। और 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुआ और दिसंबर 1905 को उनको यहाँ से भेज दिया गया था। यही जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उसी ने धीरे धीरे करके स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया और भारत के अन्य हिस्सों में भी ये फैला। जो कांग्रेस का बनारस सेशन था 1905 वाला, उसमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे लाल बाल पाल और घोष, उन लोगों ने सोचा कि इस मूवमेंट को, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को, पूरे इंडिया में फैलाया जाए, और उसमें वो लोग जुट गए। 7 अगस्त 1905 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कांग्रेस ने कैलकटा मीटिंग में कहा कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया जाएगा। इसको टोटली एक इकोनॉमिक मेजर जैसा लिया गया था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। ब्रिटिश गुड्स अगर हम नहीं खरीदेंगे तो इंडियन गुड्स खरीदने पड़ेंगे स्वदेशी, और फॉरेन गुड्स की होली जलाई गई। एक बहुत ही बड़े स्केल पे ये किया गया, बहुत सारी सिटीज में, मेजर सिटीज में ये किया गया। तिलक ने इस मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स में ले गए, स्पेशली पुणे और मुंबई में। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने इस स्वदेशी मूवमेंट को पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में फैलाया। सैयद हैदर रजा ने ये जो एजेंडा था वो दिल्ली में फैलाया। रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, यहाँ पे बहुत ही पब्लिक का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और चिदंबरम पिल्लई इस मूवमेंट को मद्रास प्रेसिडेंसी तक लेके गए। थैंक यू।